कहते हैं फ्री भी करने से सरकार घाटे में चली जाएगी, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। गुजरात पे 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, गुजरात सरकार ने तो आज तक कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर ये कर्जा कहां से चढ़ गया जी? फिर तो कर्जा नहीं चढ़ना चाहिए था, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया फ्री में, तो ये कर्जा कहां से चढ़ गया? सारा पैसा लूट के खा गए इसलिए कर्जा चढ़ गया। कर्जा फ्री भी से नहीं चढ़ता, कर्जा लूटने से चढ़ता है। पंजाब के ऊपर अभी हमने सरकार संभाली है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब को तो कुछ नहीं दिया था पिछली सरकारों ने फ्री में, फिर ये कर्जा कहां से चढ़ गया? देश की हर सरकार के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया था फ्री में, फिर ये कर्जा कहां से चढ़ गया? और दिल्ली वालों को सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिर भी कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर। तो फ्री भी देने से कर्जा नहीं चढ़ता, फ्री भी देने से सरकारें घाटे में नहीं जाती। दो किस्म की राजनीति है, एक वो जो सरकारों को लूटते हैं, देश को लूटते हैं, पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अपने परिवार के घर भरते हैं, साथ साथ पुश्तों तक इन्होंने पैसे कमा रखे हैं, सात पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। और दूसरी वो राजनीति है जो फ्री में देती है सबको, जनता के भले के लिए ईमानदार राजनीति है। कोई नेता अगर देश के अंदर खड़ा होके कहे कि मेरे को फ्री की रेवड़ी के खिलाफ हूं, समझ जाओ उस नेता की नीयत खराब है, वो नेता भ्रष्टाचारी है। कोई नेता अगर देश में देखो कि वो कह रहा है फ्री की रेवड़ी खराब है, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, सरकार घाटे में चली जाएगी, समझ जाओ उसकी नीयत खराब है। वो अपने दोस्तों के कर्जे माफ करना चाहता है, अपने परिवार के घर भरना चाहता है, जनता को लूटना चाहता है, MLA खरीदना चाहता है, वो देश का बेड़ा गर्क करना चाहता है। ये एक आज टेस्ट लेके चले जाना, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नेता ईमानदार, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए वो नेता बेईमान और भ्रष्टाचारी और गद्दार है।